कितने पर देना है, यहाँ कितने दे चुके हैं वो निकाला जाएगा, और यहाँ पर कितना देना बाकी है नीचे वो निकाला जाएगा। तो मोहन अपन तो सिर्फ एक का एंट्री करना सीख रहे हैं, और मोहन से एक बार मार ले लिया बस, लेकिन जब बिजनेस करेंगे तब एक ही व्यापारी से कई बार मार लेंगे, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में, हर 3 घंटे जब मार लेंगे तब तो व्यापार अमाउंट आता जाए, और जब तक हम भुगतान करते जाएंगे वो अमाउंट इस तरफ आता जाए, और फिर आप देख पाए करेंगे कितना देना बाकी है नीचे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस में आप देख पाए, वहां पर लिखा था ओपनिंग बैलेंस। अपन जब कर रहे सवाल ना जो ओपनिंग बैलेंस हमने कहा था ओपनिंग बाद डालना सिखाएंगे, ओपनिंग बैलेंस कौन सा डालते हैं वहां पर अपन, जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिख रहा होता है वर्ष के अंत में हर एक खाते में नीचे, उसी को हम अगले वर्ष 1 अप्रैल को स्टार्टिंग में नई कंपनी बनाकर उसके हर एक लेजर बनाकर उनके ओपनिंग बैलेंस में एक क्लोजिंग बैलेंस जो पिछले वर्ष के कैरी का होता है वो क्लोजिंग बैलेंस को अपन ओपनिंग बैलेंस में डालते हैं, क्योंकि जो वर्ष के अंत में क्लोजिंग बैलेंस है वही अगले वर्ष स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। एग्जाम्पल यहां बता देते हैं, जैसे माना कि आपने फैन बेचना स्टार्ट किया, 1000 फैन आप बनाते हैं कि बेच दें, पर बिक पाए 900 फैन, आप 100 फैन बच गए, जो 100 फैन आपके पास 31 मार्च की रात को 9 बजे आप 100 क्लोज करने वाले हैं और बचे हुए हैं 100 फैन, तो क्या आपको अगले दिन 1 तारीख को 100 फैन नहीं मिलेंगे, कब ज्यादा मिलेंगे 100 मिलेंगे, 1 अप्रैल आप दोबारा सब खोलेंगे तो आपको 100 फैन रखे मिलेंगे, अब आप उन्हें क्या कर देंगे ओपन बोलने डाल देंगे, तो जो क्लोजिंग बैलेंस था जो आप वर्ष के अंत में सामान छोड़ गए थे वैसा वैसा आपको नेक्स्ट डे स्टार्टिंग मिल जाता, तो क्लोजिंग बैलेंस ही नेक्स्ट डे के लिए नए वर्ष में स्टार्टिंग के दिन के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। समझ आ गया, चलो इतना ही आप समझना, बाकी फंड कर समझेंगे कर देखना।